नमस्ते, आई एम आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ नंबर 6 नसिका पिटारा। तो बच्चों, हमने लास्ट वाले वीडियो में चुटकुले का अर्थ और जो हमारा पेज नंबर है हमारी टेक्स्ट बुक में 35, यहाँ तक हमने सीख लिया था। तो अब हम पेज नंबर 36 यानी कि 36 के ऊपर जो दूसरा चुटकुला है और 2, 3, 4 और 5 36 पेज नंबर के ऊपर 4 चुटकुले दिए गए हैं। ये देखो, ये है 4 चुटकुले, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो उसमें दूसरा चुटकुला है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त बोला, दूसरे दोस्त है उसका नाम क्या है? दीपक। दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो दूसरा दोस्त बोला, मूर्ख। तो बच्चों, इसमें क्या है? जो पहला वाला दोस्त था वो बोल रहा है कि दीपक मिठाई नहीं खाता है, तो वो उसको मूर्ख समझता है। फिर है तीसरा, मालिक नौकर से बोलता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो नौकर ने उसे उत्तर दिया थोड़ी देर के बाद कि मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? तो नौकर क्या समझा, बिल्ली दूध पी रही है तो उसको भगाने ही चाहिए ना। तो वो जो नौकर है वो रात देख रहा है कि जब मुझे मालिक बोलेगा तब मैं बिल्ली को भगाऊंगा, तब तक तो बिल्ली दूध पी गई है। फिर है चौथा चुटकुला की एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? तो दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? तो दुकानदार जो ये आदमी को है वो क्या समझता है? कुत्ता। फिर चौथा पांचवा हमारा चुटकुला है, रामू श्यामू को देखकर बोलता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो रामू तो श्यामू ने उत्तर दिया, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू ने फिर उत्तर दिया, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। तो रामू था वो क्या समझता था श्यामू को? कुत्ता। यस। तो बच्चों, ये है हमारे 5 चुटकुले जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो हमने पढ़ के सीख लिए हैं। फिर हम अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें। तो बच्चों, हमने ये क्राफ्ट पेपर में चुटकुले बना के लिखे थे 3, वो हमने कर लिए हैं। फिर है पत्रिका में से चुटकुले खोज कर पढ़िए। तो शनिवार के दिन जो हमारी न्यूज़पेपर यानी कि हमारे घर पे जो पेपर न्यूज़पेपर, उसमें आप बच्चों के लिए बाल संदेश, बाल किड्स, ऐसे अनेक पेपर्स आते हैं, उसमें से चुटकुले आपको पढ़ने हैं। फिर तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 स्टार दिए गए हैं उसमें से एक शब्द है उसका विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, जो मैं अभी आपको वीडियो में सिखाऊंगी, विरुद्धार्थी शब्द और समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मीन्स, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का समान अर्थ वाले
उसको क्या बोलते थे? समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, अर्थात किसी भी शब्द का उल्टा यानी कि विरुद्ध अर्थ। तो कोई भी शब्द हो उसका उल्टा, समान शब्द में क्या आएगा? समानार्थी शब्द, और उल्टा शब्द में विरुद्धार्थी शब्द। तो ये दोनों हुए समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। अब मैं कुछ समानार्थी शब्द और कुछ विरुद्धार्थी शब्द लिख के मैं आपको बताती हूँ। समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, ये दोनों सीखेंगे। नन्हा तो उसका होगा छोटा, समान अर्थ वाले शब्द। राही पंथी और उसका मुसाफिर, मुसाफिर भी होगा। वतन देश, सुबह प्रातःकाल और सवेरा। फिर मंजिल लक्ष्य, दोस्त मित्र, मूर्ख बेवकूफ, सरताज श्रेष्ठ, सरदार मुखिया, खुशबू सुगंध, शान प्रतिष्ठा, और ऐसे अनेक सारे समानार्थी शब्द है, पर इसमें से मैंने थोड़े ही यहाँ पे लिख के आपको बताए हैं। तो ये हुए हमारे समानार्थी शब्द, और अभी सीखेंगे हम विरुद्धार्थी शब्द। तो गलत उसका होगा सही, सूखा गीला, शुभ शाम, दोस्त दुश्मन, दिन रात, मूर्ख बुद्धिमान, बाहर भीतर, क्षमा दंड, निकट दूर, आशा निराशा। तो ये हुए हमारे समानार्थी शब्द और ये हुए विरुद्धार्थी शब्द। तो बच्चों, हमने समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द सीख। ओके, तो हमने वीडियो में देख लिया, तो उसमें उदाहरण दिया है गलत, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा सही। फिर है सूखा, उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा सामने क्या है? गीला। फिर है सुबह, तो उसका विरोधार्थी शब्द होगा शाम। फिर मूर्ख, तो उसका होगा बुद्धिमान। फिर है दोस्त, उसका होगा दुश्मन। दिन, उसका है रात। गलत, उसका होगा सही। तो ये थे हमारे विरोधार्थी शब्द। फिर है उपर्युक्त विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। मैंने सोचा उत्तर सही होगा, लेकिन वह गलत था। तो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है? जो ये हमें वाक्य दिया गया है उसमें सही है, उसके नीचे अंडरलाइन की है, तो उसी के आधार पर हमें उसका विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द वाले वाक्य हमें उसमें उसका विरुद्धार्थी शब्द वाले वाक्य बनाने हैं। मैंने सोचा उत्तर सही, सही के नीचे अंडरलाइन है, तो लेकिन वह गलत था। तो ऐसे दो तीन वाक्यों में अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। अभ्यास नंबर 3, उसमें है प्रश्न नंबर 3 में उपर्युक्त विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द वाले वाक्य बनाने हैं इसमें। मेरा रुमाल सूखा था, लेकिन वह गीला निकला। तो सूखा और गीला, ये दोनों हो गए विरुद्धार्थी शब्द। अब इसमें है दूसरा है मैंने सोचा टप्पू, इसमें क्या है? मैंने सोचा टप्पू मूर्ख होगा, लेकिन वह बुद्धिमान निकला। तो इसमें हो गए मूर्ख और बुद्धिमान, ये दोनों विरोधार्थी शब्द। फिर चौथा प्रश्न है हमारा, इन्हें और क्या कहते हैं? छांट
कर लिखिए। तो बच्चों वीडियो में जो हमने समानार्थी शब्द देखे ना और सीखे वो ही है इसमें। अभी है हमारा पेज नंबर 37 के ऊपर प्रश्न नंबर 5। उपर्युक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो बच्चों इसमें कौन से दो समानार्थी शब्द है? यस, ये वो है सुबह। तो दूसरा है उसका समानार्थी